मोदी के मन में वानखेड़े के लिए जबरदस्त आइडिया है। नवाब मलिक के सियासी करियर को खत्म कर देंगे समीर वानखेड़े। वानखेड़े को जांच से क्यों हटाया गया, जवाब मिल गया। समीर वानखेड़े के हटने के बाद नवाब मलिक सो क्यों नहीं पा रहे, आज हम आपको जो बताएंगे वो समीर वानखेड़े मामले की असली कहानी है। आपको अब तक सिर्फ यही बताया गया कि समीर वानखेड़े को 6 केस से हटा दिया गया, लेकिन आज हम आपको उससे आगे की कहानी बताएंगे जो अभी तक किसी ने भी नहीं बताई। और इस कहानी को समझने के लिए आपको समीर वानखेड़े के साथ पिछले 15-20 दिनों में जो हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन देखनी पड़ेगी। 2 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच जो कुछ भी हुआ उसी में छिपा है जवाब, आखिर समीर वानखेड़े को क्यों हटाया गया। 2 अक्टूबर को क्रूज पर चल रही पार्टी पर छापेमारी हुई। 4 अक्टूबर से नवाब मलिक वानखेड़े के पीछे पड़ गए। 5 अक्टूबर को नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 26 अक्टूबर को समीर वानखेड़े दिल्ली गए। 27 अक्टूबर से नवाब मलिक समीर वानखेड़े के धर्म, जाति और शादी पर तरह तरह के सवाल उठाने लगे। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक नवाब मलिक के ट्विटर टाइमलाइन को आप देखेंगे तो पता चलेगा शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई ट्वीट ना किया हो। नवाब मलिक की स्ट्रेटेजी को भी समझने की जरूरत है। पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की छापेमारी पर सवाल उठाए, फिर समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर हमला किया। जब दोनों दाव चारों खाने चित हो गए तो नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी पर हमला शुरू किया। जब इससे भी नवाब मलिक का एजेंडा सेट नहीं हुआ तो शादी और धर्म के कागजात पेश कर समीर वानखेड़े को झुकाने की कोशिश में लगे रहे। इससे भी बात नहीं बनी तो समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राइवेट जासूस लगाए गए, जिसकी शिकायत वानखेड़े पहले ही कर चुके हैं। समीर वानखेड़े को क्यों हटाया गया, इसके जवाब के पीछे 2 सबसे अहम दिन थे, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को समीर वानखेड़े दिल्ली आए, एनसीबी के डीजीएसएन प्रधान से मुलाकात की। एनसीबी को पता था कि समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र सरकार टारगेट कर रही है। समीर वानखेड़े ने एनसीबी के डीजी को नवाब मलिक के खिलाफ एक एक सबूत दिखाए, जासूसी कराने की तस्वीरें दिखाई। समीर वानखेड़े ने इसी दौरान क्रूज मामले और नवाब मलिक के दामाद के केस की जांच दिल्ली एनसीबी को सौंपने का आग्रह किया, जिसे एनसीबी ने कल मंजूर कर लिया। महाराष्ट्र लौटते ही मुंबई हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े ने एक याचिका डाली, जिसमें गुजारिश की गई कि क्रूज मामले और नवाब मलिक के दामाद के मामले की जांच का जिम्मा एनसीबी की ऐसी किसी यूनिट को दे दी जाए जो महाराष्ट्र के बाहर की हो। इसी दौरान समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। समीर वानखेड़े कोर्ट में ये भी गुजारिश कर चुके थे कि उनकी गिरफ्तारी से कम 3 दिन पहले पुलिस उन्हें नोटिस दे। कोर्ट ने समीर वानखेड़े की दोनों मांगे मंजूर कर ली, क्योंकि केस हाई प्रोफाइल था और महाराष्ट्र की सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर समीर वानखेड़े को फंसाना चाहती थी ताकि जांच में रुकावट पैदा हो सके। आखिरकार समीर वानखेड़े से जांच लेकर संजय सिंह को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया। संजय सिंह भी एक तेजतर्रार आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं। संजय सिंह 1996 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वो ओडिशा पुलिस में एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं। ओडिशा पुलिस में आईजी के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। सीबीआई में संजय सिंह ने कई महत्वपूर्ण केस सुलझाए हैं। फिलहाल संजय सिंह एनसीबी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन हैं। समीर वानखेड़े से जिन मामलों की जांच ली गई वो सारे मामले अब संजय सिंह के पास आ चुके हैं। कहा तो ये भी जाता है कि संजय सिंह दीवारों पर लिखे अदृश्य सच को भी पढ़ लेते हैं, यानी नवाब मलिक मोदी के सिम्बा से डर रहे थे, उल्टा उन्हें दूसरे सिंघम से सामना करना पड़ेगा।